नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना वीर सुख ब्लॉग चैनल से सुखालदार सभी को जय हिंद, राम राम। भाई अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको आने वाली हर अपडेट के बारे में नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। और हरियाणा पुलिस जो जिनका सपना वर्दी का है वो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखे, और हरियाणा पुलिस से संबंधित कोई भी जानकारी हो या आपको चाहिए तो आप हमसे पूछ सकते हो। तो आज बात करेंगे हम हरियाणा पुलिस की वेटिंग लिस्ट जो कि अभी कुछ दो महीने पहले लगी थी, जो कि जिसका एडवर्टाइज नंबर है 4/2020, वो उसको रिवाइज रिजल्ट भी बोल सकते हैं। जो पहला हुआ था जिसमें 1199 कैंडिडेट थे, वो कैंडिडेट जो बुलाए गए थे मधुबन बायोमेट्रिक के लिए। बायोमेट्रिक में बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट थे जो कि पहुंच नहीं पाए थे, और बहुत सारे ऐसे भी थे जिनके पास कोई लेटर नहीं पहुंचा, कोई संदेशा नहीं पहुंचा। उनको एक और चांस दिया है मधुबन में आने का, अपने वर्दी का जो सपना है उसको सच करने का। तो 16 तारीख को दोस्तों मधुबन वत्स स्टेडियम में आपको 10 बजे बुलाया गया है, उनको जो कि एब्सेंट थे या जिनका बायोमेट्रिक नहीं हुआ, जो पहुंच तो गए थे लेकिन टाइम रहते हुए बायोमेट्रिक नहीं हुआ। अगर आपका बायोमेट्रिक हो जाता है तो आपको मेडिकल के लिए दोबारा फिर बुलाया जाएगा। अगर होता है ये है कि बायोमेट्रिक हो गया और उससे अगले दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई के लिए जो भी लेटर जारी होगा या जैसे भी होगा, तो आपको मेडिकल के लिए दोबारा बुलाया जाएगा और आपको मेडिकल होते ही आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी, चाहे बेशक से वो आचार संहिता ही क्यों ना लगी हो, क्योंकि इससे DGP हेडक्वार्टर से परमिशन जो लेटर जारी हुआ है उसमें जो परमिशन मिली होगी ज्वाइनिंग के साथ ही मिली होगी, क्योंकि अकेले ऐसे होता तो अकेले लेटर नहीं डालते। तो जिस भी अभ्यर्थी का नंबर नहीं आया है तो वो ये वीडियो ध्यान से देखें, और भाई 16 तारीख को 10 बजे ज़रूर पहुँचे, जिसमें हमारे मेल जो कॉन्स्टेबल हैं मेल अभ्यर्थी हैं वो 344 है और फीमेल जो है वो 167 है। और इसकी जो लिस्ट जारी हुई है PDF है, और जो इसका लेटर है वो हमारे टेलीग्राम वीर सुख के नाम से डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, उसको भी आप ज्वाइन करें, उस पर आपको ये लेटर देखने को मिल सकता है। तो आज की यही जानकारी थी, भी जितने भी अभ्यर्थी रह चुके हैं उम्मीद करते हैं वो ज़रूर पहुंचेंगे, चाहे अगर वो उन्होंने कहीं और ज्वाइनिंग नहीं की है तो, जैसे कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट थे जिन्होंने कहीं दूसरी जॉब में ज्वाइन कर लिया है इस कारण वो नहीं पहुंच पाए। तो जिस जो बेरोज़गार रह चुके हैं और जिनका नंबर है, जो जिनकी उम्मीद थी, जिनका सपना था वर्दी का, तो वो वही ज़रूर पहुँचे 16 तारीख को वत्स स्टेडियम मधुबन में। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और मिलते हैं अगले अपडेट के साथ। थैंक यू।